मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूं कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के लिए राम मंदिर आंदोलन में तो सक्रिय रहे ही, 1990 में आप सोचिए, लगभग 3.5 दशक पहले जब एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर वो एबीवीपी के मार्च में शामिल हुए थे और श्रीनगर तक गए थे। वहां से लेकर राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच से वो जुड़े रहे और जुड़े वो बीच में। और आपको बता दें 2003 में वो नदबई, अपनी ही जहां उनका जन्म हुआ था वहीं से वो नदबई सीट से हार गए थे भरतपुर से। इस बार लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट कहां से दिया? सांगानेर से, एक सुरक्षित सीट बीजेपी की मानी जाती है। और अब भजनलाल शर्मा के लिए ये बड़ा दिन, वो अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री अब मनोनीत से शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं। मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दिया कुमारी, इनके लिए भी इनके राजनीतिक सफर में बड़ा दिन सितंबर 2013, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में वसुंधरा राजे की रैली में थे, उसी वक्त उन्होंने जिसे कहा जाता है भव्य एंट्री की थी, ग्रैंड एंट्री की थी बीजेपी में। और 2013 से 2023 आते आते 10 साल के अंदर वो आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। पहले सांसद थी, रिकॉर्ड जीत उन्होंने हासिल की थी। इस बार जयपुर से विद्याधर नगर सीट उन्हें प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये देखिए, अब दिया कुमारी के लिए भी बड़ा दिन जब वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी दलित मोर्चे से भी वो जुड़े रहे, इसी के साथ दुदू जिला परिषद में भी वो सदस्य रहे और 2018 के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें पार्टी के अंदर अपनी कर्मठता के लिए और कांग्रेस के बाबूलाल नागर को 35,000 वोट से हराने के लिए, और एक अगर उनके स्वभाव को भी आप देखें, शांत स्वभाव के हैं, लो प्रोफाइल रखते हैं, आज प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, ले ली है इन तीनों ने। अब तीन चेहरे आपके सामने हैं। सबसे पहला तो भजन लाल शर्मा जी का बर्थडे गिफ्ट है, जन्मदिन के दिन सबसे बड़ा तोहफा जो पार्टी की तरफ से उन्हें मिला है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अब बन गए हैं मुख्यमंत्री राजस्थान। उसके बाद आप देख रहे हैं दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री और फिर और अब पीएम के नाम के नारे लग रहे हैं वहां पर जनता। प्रधानमंत्री उन नारों का, जनता के अभिवादन का, कार्यकर्ताओं के अभिवादन का स्वीकार करते हुए, और भजन लाल शर्मा को आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए मंच से। जन्मदिन भी है और आज ऐसा जन्मदिन का तोहफा तो सबको मिले जीवन में जो आज भजन लाल जी। माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें।